से लेके वो क्लोज टू 700 से 790 तक वो बढ़ा है। और जो इसका इंटरमीडिएट हाई था 708 रुपये का 14 दिसंबर का, वो उसने कन्विंसिंगली क्रॉस करके ये ब्रेकआउट आया है विथ वॉल्यूम। तो मेरे हिसाब से ये तेजी जो है वो कंटिन्यू रहेगी और आगे जाते भी ब्रेकआउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग आएगा। आई थिंक इन द नेक्स्ट 7 to 10 days मेरे हिसाब से 8 से 10 से 8 से 20 के लेवल्स आने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो ये राय रहेगी इस स्टॉक पर। तो आज अगर ओवरऑल अगर आप ट्रेड को देखें, आज जो जिस तरह का ट्रेड सेटअप आज एंटिसिपेट किया जाना चाहिए था, जिन ट्रिगर्स पर बाजार उसी तरह सेम रिएक्ट करता हुआ, बड़े रीजंस रहे कि बॉन्ड यील्ड और इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो, जिसके चलते हमने देखा कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर एक दबाव बनता हुआ एंटिसिपेट किया जाना चाहता, पूरा दिन आपको आईटी स्पेस पर दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट आईटी स्पेस सबसे बड़ा लगाड आज पूरे दिन के लिए रहा, जहां से वीकनेस बाजार को मिली। दूसरा बड़ा ट्रिगर रहा आपका क्रूड का, क्रूड से रिलेटेड जितने भी सेक्टर होते हैं, चाहे वो सीमेंट हो, एविएशन हो, डायरेक्टली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, तो ऑयल एंड गैस और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा जरूर मिला, लेकिन उसके अलावा आप सीमेंट स्टॉक्स की बात करें, जहां से भी इन्फ्लेशन का ट्रिगर दिखता है वहां सब जगह आपको एक डेंट देखने को मिला। ये भी एंटिसिपेटेड था कि इसी तरह का ट्रेड आज होगा। तो क्लियरली जिस तरह का प्ले आउट होना चाहिए था बाजार में, एक गैप के साथ, गैप डाउन के साथ ओपन अप हुए और ये गैप वाइडेंड हुआ। बैंकिंग स्टॉक्स में कोई क्लियर आपको इंडिकेशन या क्लियर रीजन अभी तक नहीं देखता, हालांकि बैंकिंग स्टॉक्स ग्लोबली भी अभी फॉल ऑफ हो रहे हैं। डाउ में जिस तरह से हम सेल ऑफ देख रहे हैं, इंडियन मार्केट्स में भी बैंकिंग और फाइनेंशियल एक प्रेशर में या एक टाइम वाइज करेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज किसी तरह का कोई बड़ा ट्रिगर यहाँ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्रेरियन आप देखें तो पीएसयू बैंक्स में यहाँ बाइंग है। बड़े बैंक्स को अगर आप देखें तो इस सेल ऑफ में भी उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बनाई हुई है। एसबीआई जैसे काउंटर्स को अगर आप देखें, यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे कि इनमें तेजी अभी भी बनी हुई है, इन पे एक स्ट्रेंथ अभी तक बनी हुई है। रिलायंस से उम्मीद थी कि शायद यहाँ अगर यहाँ रिलायंस से वीकनेस हुई तो वहाँ शायद थोड़ी सी चीजें और गड़बड़ हो सकती है, लेकिन क्योंकि एनर्जी पैक हम देख रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है, अच्छे एनर्जी पैक की, ऑयल पैक की, इन काउंटर्स की अर्निंग्स यानी नंबर्स अच्छे एंटिसिपेट किए जा रहे हैं, जिसके चलते हम पूरे इस पैक को बजिंग देख रहे हैं। उसके अलावा ऑटो का थीम क्लियरली, ऑटो एंसिलरी का थीम, ईवी का थीम, ये क्लियरली बाजार पर आपको प्ले आउट होता हुआ दिखाई दिया। ओपन अप थीम आपको क्लियरली बाजार पर ओपन प्ले आउट होता हुआ दिखाई दिया। क्लियरली मार्केट क्लोजेस 177 पॉइंट्स का डेंट आपको निफ्टी पर दिखता है और राउंड अबाउट 200 ऑट पॉइंट्स का डेंट आपको बैंक निफ्टी पर दिखाई दे रहा है। तो एक क्लोजिंग, एक वीक क्लोजिंग हम दे करके यहाँ जरूर जा रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल की जिसकी बात हो रही थी बैंक निफ्टी, उसके ऊपर क्लोज हुआ है। देखना होगा कल एक्सपायरी भी होगी, किस तरह का ट्रेड कल बाजार में निकल कर आता है, लेकिन अभी फिलहाल क्लियरली ग्लोबल क्यूज जिस तरह से जिटरी है, जिसके वजह से इंडियन डोमेस्टिक मार्केट्स में भी वो प्ले आउट होता हुआ क्लियरली आज बाजार पर दिखाई दिया। शो को फिलहाल यहीं समेटेंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, मितेश, संतोष, आपकी ट्रेडिंग पिक्स और समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।